हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इन 10 एंड आई एम निशांत चाहर। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब सीक्वेंसेस के बारे में एंड एक पावर सेट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आज की वीडियो में। अब जिनको नहीं पता सब सीक्वेंस क्या होता है वो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज़ है, हम रिकर्जन पढ़ रहे हैं तो उसकी जो तीन कंडीशन होती हैं, पहले होता है हमारा बेस केस, सेकेंड होती है हमारी रिकर्जिव कॉल एंड थर्ड होता है हमारा स्मॉल कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये तीनों फिर से मैं रिकैप करा रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है ये क्या बोल रहा है, ये समझ नहीं आ रही हमें चीज़ें, तो इससे पहले वाली जो दो वीडियो तीन वीडियो है जाके देख लो, तुम्हें वाले वर्ड्स सारे समझ आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने सब सीक्वेंसेज की तरफ। अब सब सीक्वेंस को अगर हम ब्रेक डाउन करें ना यार, तो दो वर्ड्स हैं, सब और सीक्वेंस। अब जो तुम्हारा सीक्वेंस होता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा सीक्वेंस है, ठीक है, एक ऑर्डर है। सिमिलरली अगर हमें कोई स्ट्रिंग दे रही है ए जे के, अब इसमें जो सीक्वेंस है वो ए जे के हमारा एक सीक्वेंस है। अब सब मतलब उसमें से कोई भी एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। अगर हम देखें तो ये 1 2 भी एक सब सीक्वेंस है, 2 3 भी एक सब सीक्वेंस है, 1 2 4 भी एक सब सीक्वेंस है, क्योंकि सेम इसी ऑर्डर में आ रहा है और इसमें बस 3 नहीं है। सिमिलरली अगर हम स्ट्रिंग में देखें तो हमारा ए भी एक सब सीक्वेंस है, ए जे भी एक सब सीक्वेंस है, ए जे के भी एक सब सीक्वेंस है, हमारा जे भी एक सब सीक्वेंस है, हमारा के भी एक सब सीक्वेंस है, हमारा जे के भी एक सब सीक्वेंस है, तो ये सब हमारे सब सीक्वेंसेस हैं। इसके अलावा अगर हम इनमें से कुछ भी नहीं उठाते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, खाली एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, वो भी हमारा एक सब सीक्वेंस होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब सीक्वेंस। इसमें दो वर्ड्स हैं, कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस, मतलब कॉन्टिन्यूस या फिर नॉन कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब जो सर तुम्हारे सब सीक्वेंसेज होते हैं ना, उसमें जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे कॉन्टिन्यूस हों, बीच में से कोई भी चीज़ हम स्किप कर सकते हैं। अनलाइकली जो तुम्हारा सब स्ट्रिंग या फिर सब एरे होता है उसमें तुम्हें कॉन्टिन्यूस चाहिए होता है, जैसे सब सीक्वेंस या फिर हम सब एरे बोलेंगे इसमें अगर, तो हमारा 1 2 3 4 ये एक सब एरे होगा, 1 2 3 एक सब एरे होगा, अरे सब सीक्वेंस भी होगा, बट 1 2 3 5 तुम्हारा एक सब सीक्वेंस होगा, सब एरे नहीं होगा, क्योंकि हमने ये वाला पार्ट स्किप कर दिया है। तो ये तुम्हारा सब सीक्वेंस और सब एरे में बेसिक डिफरेंस होता है। तुम्हें भी चीज़ समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो एक बार फिर से सुनो एंड थोड़ा बहुत गूगल करके देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे तुम्हारी चीज़ समझ आ जानी चाहिए। अब यार नेक्स्ट चीज़ जो होती है कि हमें जैसे कोई एक स्ट्रिंग गिवन है ए बी सी, हमें बोला है कि यार इसके सारे से ना, मतलब जो क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, तो यार आज हम ना ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं पावर सेट वाला। गिवन अ स्ट्रिंग एस, फाइंड ऑल द पॉसिबल सब सीक्वेंसेज ऑफ द स्ट्रिंग इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। अभी हम ये वाली चीज़ को छोड़ देते हैं, अभी बस हमें क्या करना है, इसके जितने भी सब सीक्वेंसेज हैं जैसे यहाँ पे ए ए बी ए बी सी ए सी बी बी सी और सी, तो ये सारे सब सीक्वेंसेज हैं, हमें ये सारे निकालने हैं। सिंपल है, ठीक है, ऑर्डर हम बाद में आराम से कभी सीख लेंगे, अभी बस ये कि निकालते कैसे हम ये सीखना चाह रहे हैं। इसमें बस 7 सब सीक्वेंसेज हैं, क्योंकि ये पावर सेट है, पावर सेट में ना हम एम्प्टी स्ट्रिंग को नहीं ले रहे होते हैं, अगर हम इसको एम्प्टी भी ले रहे होते तो यहाँ पे एक और होता तो 8 हो जाते टोटल, ठीक है। तो सब सीक्वेंसेज अगर देखेंगे तो 8 होंगे, पावर सेट देखेंगे तो 7 होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब भी हम सब सीक्वेंसेज वाला क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें बस दो चीज़ें होती हैं यार हमारी, बहुत सिंपल, एक होता हमारा टेक, एक हमारा होता नॉट टेक। अब इसका क्या मतलब है, टेक का मतलब यार अगर हम करेंटली इस पोजीशन पे हैं, स्ट्रिंग में इस पोजीशन पे हैं, बी पे हैं, तो या तो हम बी को अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो वो टेक वाली कंडीशन हो गई, और नहीं करेंगे तो नॉन टेक वाली कंडीशन हो गई। अब इसको डिटेल में जब हम एग्जांपल लेंगे, इस एबीसी वाले को ब्रेक डाउन करके इसके सब सीक्वेंसेज निकालेंगे, तो तुम्हें समझ आएगा टेक नॉट टेक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें होने वाली है इसमें, एक तुम्हारा जो करंट स्ट्रिंग है जो हमारी एबीसी, इसके बाद हमारे साथ एक होने वाला है करंट जो हमारा टेम्प्रेरी आंसर है, एंड करंटली एक इंडेक्स होने वाला है आई, ठीक है। आई में हमें क्या होगा कि अभी हम कौन सी जगह पे हैं, जैसे अभी आई हमारा 0 है तो हम जीरोथ पोजीशन पे हैं, मतलब ए पे हैं। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन हैं यार, एक तुम्हारी पहले होगी कि हम इसे टेक करेंगे या और दूसरी होगी हमारी नॉट टेक करेंगे, मतलब इंक्लूड करेंगे या फिर नॉट इंक्लूड करेंगे। अब हम आए ए पे, ए वाले पे हमने बोला कि यार इसको आंसर में इंक्लूड कर लेते हैं, टेक वाली कंडीशन है, तो हमने क्या बोला इसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया, हमारे आंसर में ए इंक्लूड हो गया और हमारा इंडेक्स बढ़ के यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ए से बी पे जंप कर चुके हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जाएंगे नॉट टेक में, तो नॉट टेक में बस सेम ही चीज़ होगी, ए बी सी आए, बस हमने ए को इंक्लूड नहीं करा तो ये अभी भी एम्प्टी स्ट्रिंग रह गई हमारी, ठीक है, और अब यहाँ पे 0 की जगह 1 हो गया, सेम आई 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब नेक्स्ट फिर से यहाँ पर आएंगे हम, फिर से सेम चीज़ करेंगे, अभी हमारा आई 1 है और 1 पे हमने देखा कि यार अब क्या करना है इसे, अब इसे फिर से यहाँ पर टेक करना है फिर नॉट टेक करना, तो टेक करेंगे ए बी सी हो गया हमारा, और टेक करेंगे तो ए भी बन जाएगा और हमारा इंडेक्स जो होगा 2 हो जाएगा और हम करेंटली स्ट्रिंग पे आ जाएंगे, ये टेक वाली कंडीशन है। अब नॉट टेक करेंगे तो क्या होगा, ए बी सी हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, मतलब स्ट्रिंग तो सेम ही है, तो ए बी सी हो गया और इसके बाद हमारा ए ए ही रह गया, कुछ ऐड नहीं हुआ और जो हमारे इंडेक्स था वो 2 हो गया, ठीक है, 2 इंडेक्स का मतलब है हम सी पे आ गए।
तो उसके बाद हम सेम चीज इस वाले के साथ भी करेंगे यार। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अब हम वन इंडेक्स पे आ गए हैं तो बोलेंगे यार बी को मत, पहले बी को ले लो। तो हम बी को लेंगे ए बी सी, हमारे बी आ गया और हमारा इंडेक्स टू हो गया, ठीक है। और अब हम पहुँच गए सी पे। सिमिलरली यहाँ पे हमने बोला ए बी सी, यहाँ पे हमने बोला कि मत लो इसे, तो ये भी एम टी ही रह गया, हमारा टू हो गया। यहाँ पे भी आप आ गए सी पे। सिमिलरली फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, इस पे आए, इस पे दो हमारे पास चीज़ें होंगी, या तो टेक करेंगे या नॉट टेक करेंगे। टेक करेंगे तो हम बोलेंगे ए बी सी, और हमारा ए सी से हम बाहर चले गए और जो हमारा इंडेक्स था वो टू से थ्री हो गया, राइट। तो हमारा ए बी सी हो गया, इंडेक्स हमारा थ्री हो गया। यहाँ पे हमने फिर से सेकेंड चीज़ करा कि इसको टेक नहीं करा, तो ए बी सी ही, ये हमारा ए बी रह गया और यहाँ इंडेक्स थ्री हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ए बी सी हो गया ये, इसमें हमने ए सी को इंक्लूड कर दिया और थ्री हो गया, ए बी सी हो गया, इसमें हमने सी को इंक्लूड नहीं करा तो ए हो गया और थ्री हो गया। अब यहाँ पे हम सेम चीज़ करेंगे, ये हमारा ए बी सी, ठीक है, इसमें हमने बी में सी को इंक्लूड कर दिया तो बी सी हो गया और यहाँ पे थ्री हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हमने बी के साथ सी को ऐड नहीं किया तो ए बी बी और तुम्हारा थ्री हो गया। यहाँ पे सेम हम सी पे थे, सी पे हमने बोला टेक एक बारी, तो ए बी सी सी थ्री, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो ए बी सी तुम्हारा एम टी स्ट्रिंग यहाँ पे भी और थ्री। अब जब हम थ्री पे आ गए तो एक चीज़ समझो कि यार इससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते ना, और हमने सबसे पहले ये चीज़ समझी थी यार बेस केस क्या होगा हमारा। बेस केस होगा जब इससे आगे रिकर्जन को जाके कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब यहाँ से इससे नीचे जाके रिकर्जन को कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तीन पे आ गए हैं, स्ट्रिंग खत्म हो गई यार हमारी मेन वाली, अब क्या करेंगे आगे जाके। तो हमारा बेस कंडीशन हिट हो गई है। अब यहाँ से हमें समझ आ जाएगी कि हमारी बेस कंडीशन क्या होगी यार। बेस कंडीशन हमारी होगी जब स्ट्रिंग की लेंथ जो है डॉट साइज इज डबल इक्वल्स टू हमारा इंडेक्स, ठीक है। स्ट्रिंग का साइज यहाँ तीन है और इंडेक्स हमारा तीन है, तो हमारी बेस कंडीशन हिट हो गई, हम इससे नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब रिकर्जन कैसे कॉल होगा वो बाद में जब कोड लिखेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब हम देखो यहाँ पे हमारे पास ये सारे सब सीक्वेंसेस आ गए। अब वीडियो पॉज करो और ये देखो यार जो ये यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं ये टोटल आठ हैं, बस क्या है ए जे के, ए बी सी जगह ए जे के है और आठ यहाँ पे आ रहे हैं। अब तुम देखोगे यहाँ पे भी हमारे एट आ रहे हैं, ठीक है। हमारे एट कैसे आ रहे हैं, ये आ रहा हमारा वन, ये हमारा टू, ये हमारा थ्री, ये हमारा फोर, ये हमारा फाइव, सिक्स, सेवन और एट। अब इसको हम जल्दी से कोड करते हैं, फिर कोड के साथ इसको ड्राई रन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यार इस क्वेश्चन में ना हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। हेल्पर फंक्शन का क्या मतलब होता है तुम्हारा? हेल्पर फंक्शन का ये होता है कि जब भी हमें कोई फंक्शन गिवन है किसी क्वेश्चन में एंड उसमें हमें कुछ और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स वगैरह पास करने हैं, जैसे हमें यहाँ पे एक टेम्पररी स्ट्रिंग चाहिए एंड टेम्पररी स्ट्रिंग के साथ इंडेक्स भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं सेम टाइप का हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, बस प्रिंट करके देख रहे हैं ये वेक्टर वगैरह रिटर्न करने वाली चीज़ें, बाद में जब आगे और बढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे कैसे लिखते हैं क्या करते हैं इसमें हम। अगर तुम्हें ये सॉल्व करना है प्रॉपर सबमिट करना है तो क्या कर सकते हो, ग्लोबल वेक्टर ले सकते हो और उसके बाद पुश कर सकते हो। मैं बता दूंगा कौन सी कंडीशन में, वो कोड भी मैं तुम्हें गिटहब पे दे दूंगा, तुम कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे जो बेस कंडीशन थी वो थी, जो हमारी बेस कंडीशन थी यार वो थी एस डॉट साइज डबल इक्वल्स टू इंडेक्स, हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधा अपना जो टेम्पररी आंसर है वो प्रिंट कर देंगे और रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा बेस केस था, हमने प्रिंट करा और रिटर्न कर गए। नेक्स्ट हमारी जो कंडीशन थी, एक थी टेक एक थी नॉट टेक, तो हम पहले टेक वाले लिखेंगे। टेक वाली में हम क्या करेंगे, हेल्पर एस जो स्ट्रिंग थी वो एस है, हमने बोला टेम्प आंसर में यार एस का जो भी करंट इंडेक्स है उसको ऐड कर दो, एक कॉन्कैटनेट अपने आप कर लेता है C++। सिमिलरली जावा वगैरह में सेम चीज़ होते हैं, पाइथन में भी हो जाती है, और हम इंडेक्स को प्लस वन कर देंगे। इसके बाद हमारी दूसरी जो रिकर्सिव कॉल होगी वो होगी नॉट टेक, उसमें सेम ही चीज़ होगी, बस जो ये वाली चीज़ है इसमें हमने ऐड नहीं करी तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। हमारा एक कंडीशन होगी टेक, एक होगी नॉट टेक, और ये वापस आएगा तो उसको हम रिटर्न कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है, अभी एरर ना दे तो हम यहाँ पे एक वेक्टर बना देते हैं एम्प्टी, ठीक है। हेल्पर को कॉल कर देते हैं अपने एस कॉमा एम्प्टी कॉमा जीरो के साथ, और यहाँ पे हम बस इसको रिटर्न कर देते हैं आंसर। तो इसको हम अब रन करके देखते हैं, ठीक है। जो तुम यहाँ पे देखोगे ए बी सी ए बी ए सी ए बी सी 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 और यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी है जो सेम एज इट इज जो हमने वहाँ पे देखा था, ठीक है। हम इसको जल्दी से ड्राई रन कर लेते हैं। अब क्या था, हम पहले यहाँ पे हमने कॉल किया, यहाँ पे थे हम, यहाँ पे हमने बोला एक बार टेक कर लो, ठीक है। टेक में हमने सेम चीज़ करी, हमने ए ऐड कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग में, ए ऐड करा, उसके बाद आए को हमने इंडेक्स को बढ़ा दिया और हम आ गए नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन में हमने सेम चीज़ करी, चेक करा यार इफ़ की वैल्यू जो थी इंडेक्स तक थी नहीं थी, तो हमने कुछ नहीं करा, वापस आए टेक वाली कंडीशन ली,
टेक वाली कंडीशन हमने क्या करा, बी को ऐड कर दिया, ए बी हो गया और इंडेक्स को अपडेट कर दिया। नेक्स्ट वाली फिर से हमने टेक वाली कंडीशन ली, फिर से यहाँ गए हमने ए बी सी कर दिया, इंडेक्स को 3 कर दिया, फिर हम इसको फिर से टेक वाली कंडीशन में भेजेंगे। टेक वाली कंडीशन में जाएगा बट ये देखेगा यार इंडेक्स की वैल्यू जो थी वो 3 हो चुकी है, तो इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई है, तो ये बोलेगा कि वापस रिटर्न कर जाओ, कुछ करने के लिए हमारे पास है नहीं, बट हमारे आंसर को प्रिंट कर दो। हमने आंसर को ए बी सी प्रिंट कर दिया। हम फिर से वापस आए, हम इस वाली फंक्शन कॉल पे थे, हमने बोला इस बारे नॉट टेक कर दो। नॉट टेक करने के बाद इसने क्या बोला, कुछ नहीं करा, ए बी छोड़ दिया, सी को ऐड नहीं करा, और ये आया इसने 3 इंडेक्स देखा सेम था साइज जैसा, इसने बस प्रिंट कर लिया ए बी और ये फिर से आगे बढ़ गया। ये वापस रिकर्सिव कॉल मार के यहाँ से यहाँ आ गया, ये दोनों ये वाले काम हमारे खत्म हो गए। अब नॉट टेक वाले में हमने बी को ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे आया इसने देखा 2 है, 2 तुम्हारा साइज के इक्वल नहीं है, साइज के इक्वल नहीं है, तो इसने फिर से साइज इंक्रीमेंट करके भेज दिया। एक बार टेक वाली कंडीशन लगाई, सी ऐड कर दिया, और फिर यहाँ पे हमने फिर से इसने टेक वाली कंडीशन लगाने का ट्राई करा, तो हमने ए सी को प्रिंट कर दिया, गए क्योंकि इंडेक्स 3 था। वापस आए, इसने फिर से रिकर्सिव कॉल को वापस रिटर्न कर दिया, दोनों टेक नॉट टेक एक्सप्लोर करने के बाद, फिर यहाँ पे इसने नॉट टेक करा, तुम्हारा ए बच गया। सिमिलरली ऐसे करते करते हमने सारे अपने आउटपुट्स को एक्सप्लोर कर लिया। एक बार खुद इसको बैठ के ड्राई रन करना, समझने की कोशिश करना, आ जाएगा। कुछ भी डाउट्स हो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड इसका जो कोड वगैरह वो गिटहब पे मिल जाएगा। अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए कर दो, एंड अगर ये एक्सप्लेनेशन सही लगी हो तो ज़रूर बता देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।